क्षमा करो पुत्र केसरी, किंतु अब आपकी और अंजना के बीच पति पत्नी का संबंध समाप्त हो चुका है। केसरी को अंजना के साथ पुनः विवाह करना ही होगा। अंजना, तुम्हारा और महाराज केसरी का फिर से विवाह होने वाला है। भाग्यशाली पुत्र हूँ जो अपने माता पिता का विवाह अपनी आंखों से देख रहा हूँ। विवाह विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों पुनः पति पत्नी हुए। अखंड सौभाग्यवती भव। पवन देव दर्शन दे। देवराजेंद्र, अग्निदेव, विश्वकर्मा जी, आप सब यहां, वायुलोक में आप सबका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूं? पवनदेव, आपको तो स्वयं ही ज्ञात है कि रावण ने आपके पुत्र मारुति को मारने के लिए अनेकों बार प्रयत्न किए हैं। और पवनदेव, अब वो आपके पुत्र मारुति की सच्चाई जानने के लिए महादेव को लंका ले जाने का प्रयास कर रहा है। ओम नमो भगवते रुद्राय।
शिवाय ओम रेम नमः शिवाय रेम। भवन देव, इस समय रावण आपके पुत्र और भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए संकट बना हुआ है। हमने उसकी आराधना को रोकने के लिए अनेकों बार प्रयत्न किए हैं, किंतु सब असफल हो गए। अब तो जो भी करना है आप ही कीजिए, क्योंकि आप मारुति के पिता हैं और अपने पुत्र की भलाई के लिए एक पिता से अच्छा और कौन सोच सकता है। मारुति मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र पर आने वाले हर संकट को समाप्त कर दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रावण की तपस्या को कौन भंग कर सकता है और कौन रावण को मुंह तोड़ उत्तर दे सकता है। रावण की साधना अवश्य भंग होगी। यदि रावण की यह तांत्रिक पूजा पूर्ण हो जाती है तब तो आपको उसे वरदान देना ही होगा। देवी, तांत्रिक साधना बहुत ही कठिनाइयों से सिद्ध होती है। साधारण भक्त इसे साध भी नहीं पाते, किंतु रावण तो हठ योगी है। उसने अनेकों अघोर साधनाओं को सिद्ध कर रखा है। ऐसे भक्त को उसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए, रावण को भी मिलेगा। स्वामी, रावण तो आपसे एक ही वरदान मांगेगा कि आप उसके साथ लंका चले। तो क्या आप लंका चले जाएंगे? देवी, भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए, हमें भी करना होगा। तो क्या आप मुझे यहाँ कैलाश पर छोड़कर लंका चले जाएंगे? देवी, जो अभी घटा नहीं उसके विषय में सोचकर क्यों चिंतित हो रही है? ओम वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय। हे माता आदिदेवी, हमारे स्वामी को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सब संकटों से बचाइए। आपको हमारा प्रणाम। मारुति आज कोई फिर ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। बस एक ही कमी है आज की इस पूजा में, महाबली काका की पत्नी नहीं है,
काकी भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। पूछना चाहिए या नहीं कि काकी कहाँ है? उस दिन पूछा था तो काका परेशान हो गए थे। लगता है मारुति सबके सामने ही पूछने वाला है, अब क्या करूं मैं? काकी कहाँ है? उन्होंने भी आपके लिए व्रत रखा होगा। काका कहाँ चले गए? मित्र केसरी जी, यहाँ आकर मुझे बड़ा आनंद आया। बरसों के बाद इतनी खुशियां प्राप्त हुई, किंतु अब किष्किंधा जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हमने तो शांति से बैठकर आपके साथ चर्चा भी नहीं की, कुछ दिन और ठहरते तो हमें अच्छा लगता। मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने को, किंतु क्या करें, आप तो जानते ही हैं कि किष्किंधा में सुग्रीव अकेला ही है। आप यहां एकाएक? हां महाराज केसरी, बात ही कुछ ऐसी है जो हमें यूं आना पड़ा। हमें ज्ञात हुआ है कि रावण तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसकी साधना सफल हो गई तो हमारे मारुति पर संकट आ सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं पवन देव? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज केसरी, वो ये सब मारुति के अहित के लिए कर रहा है।
असुरों का आतंकवाद बढ़ गया है पवन देव, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वो हमारी चुप्पी को कायरता समझने की भूल कर बैठे हैं। हाँ पवन देव, और इस बार तो बात हमारे मारुति की है। उसके इस दुस्साहस के लिए हम उसका वो हाल करेंगे कि वो पुनः कभी हमारे नाते के बारे में सोचने का साहस भी न कर सके। इस समय रावण द्रोण पर्वत पर महादेव की तांत्रिक साधना कर रहा है। उसकी साधना सफल होने से पहले उसे भंग करना आवश्यक है, किंतु याद रहे उसके साधना की रक्षा महाबली दशानु कर रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि रावण तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसकी साधना सफल हो गई तो हमारे मारुति पर संकट आ सकता है। रावण के 1,25,000 मंत्र जाप पूर्ण होने में शेष 1,100 मंत्र ही बचे हुए हैं। बाली को उससे पहले ही पहुंचकर रावण की पूजा खंडित करनी होगी। जय जय बजरंग बली।